Good morning, dear students. I am Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear children, in this video, I will teach you the rest part of the lesson, the address. In the previous video, we have completed its four paragraphs. Today, we will start from पैराग्राफ नंबर फिफ्थ. तो इसका टेस्ट देखेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे और सुनेंगे. पांचवा पैराग्राफ. आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. आई हैड रिमेंबर्ड, मुझे यह याद था. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैंने एक लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी टू गो देयर, वहां जाने की. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. Initially, प्रारंभिक रूप से, after the liberation, आज़ादी के बाद, I was absolutely, मैं पूरी तरह से not interested, रुचि नहीं रखती थी in all, उन सभी चीज़ों में, that is stored stuff, जो कि भंडार किया गया सामान की थी. And naturally, I was also rather afraid of it. And naturally, और प्राकृतिक रूप से, I was also rather, मैं ज़्यादा ही afraid, डरी हुई भी थी of it इससे. और मैं प्राकृतिक रूप से इससे कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. Afraid of being confronted, afraid of being, यानी भयभीत होने से, डर जाने से, confronted, सामना करना पड़ेगा with things, चीज़ों का, वस्तुओं का, that had belonged, जो संबंधित रही हैं, जो एक connection, एक संबंध से, that no longer existed, उन लोगों से जो कि अब अस्तित्व में नहीं हैं या अब मौजूद नहीं हैं. दोबारा से देखें कि afraid of being, यानी भयभीत होने से, डर जाने से, confronted, सामना करने के, with things, चीज़ों का, that had belonged, जो कि संबंधित थी, to a connection, ऐसे संबंधित लोगों से, that no longer, कि जो अब बिल्कुल नहीं, existed, मौजूद थे, या विद्यमान थे, या जीवित थे, which were hidden away in cupboards and boxes, and waiting in vain until they were put back in their place again. Which were hidden, जिनको कि छिपाया गया था, in cupboards, अलमारियों में, cupboards में, and boxes, बक्सों में, and waiting, और समझ करके, in vain, बेकार, और उन वस्तुओं को बेकार समझ करके, until they were put back, जबकि उनको, जब तक कि उनको वापस नहीं रखा गया, in their place, उनके स्थान पर, again, दोबारा, यानी उन सभी वस्तुओं को अलमारियों में और बक्सों में बेकार समझ करके छिपा दिया गया था, रख दिया गया था, जब तक कि उनको वापस उनके स्थान पर नहीं रख दिया जाए. Which had endured all these those years because they were things. Which जो कि had endured, प्रयोग की गई थी, all those years, उन वर्षों के दौरान, उन सारे वर्षों के दौरान, because they were things, क्योंकि वे चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं. But gradually, everything became more normal, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अधिक सामान्य हो गया, स्थितियाँ सामान्य हो गईं, अगेन दोबारा. Bread was getting to be a lighter color, और जो ब्रेड थी, यानी डबल रोटी थी, was getting to be, हो गई थी, होने लगी थी, lighter color, हल्के रंग की. There was a bed you could sleep in unthreatened. There was a bed, और वहाँ पर एक बिस्तर था, यू कुड स्लीप, जिस पर आप सो सकते थे, इन अनथ्रेटन, बिना किसी भय के, निर्भय होकर के. ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे. ए रूम, और एक कमरा, विद ए व्यू, दृष्टि के साथ, यानी देखते ही, यू वर मोर यूज्ड, जिसको कि आप, जिसे कि आप देखने से आदत बन चुकी है, जिनकी कि आप आदत में ला चुके हैं, ग्लेंसिंग, देखने की, एट ईच डे, रोजाना.
और एक वह कमरा जिसको कि आपकी देखने की आदत सी बन गई है रोजाना. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस. और एक दिन आई नोटिस्ड, मुझे लगा, मैंने जाना, आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत बेचैन थी, उत्सुक थी अबाउट ऑल द पोजेशंस, उन सभी चीज़ों के बारे में दैट मस्ट स्टिल बी, जो कि अभी भी होंगी एट दैट एड्रेस, उस पते पर. और एक दिन मुझे लगा कि मैं उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बड़ी बेचैन हो गई थी जो कि अभी भी उस पते पर होंगी. आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी एंड रिमेंबर और याद करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डार्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, मेरे पहले दौरे के बाद, इन वेन व्यर्थ में, टू मिसेज डार्लिंग, मिसेज डार्लिंग के घर की, यानी मिसेज डार्लिंग के घर का पहला दौरा बेकार में जाने के बाद मैंने डिसाइडेड तय किया टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, यानी उनके घर दोबारा जाने का. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब लगभग एक 15 साल की लड़की, 15 वर्ष की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्ट इफ हर मदर वॉज एट द होम. आई आस्ट, और मैंने पूछा इफ हर मदर, कि क्या उसकी माँ वॉज एट होम, घर पर है. नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इरेंड. नहीं, उसने कहा मेरी माँ, इरेंड का मतलब किसी काम पर गई हुई है. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्रतीक्षा करूँगी, इंतज़ार करूँगी. तो पांचवा पैराग्राफ शुरू ख़त्म हुआ, छठा देखेंगे. I followed the girl along the passage, an old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. I followed, मैं पीछे पीछे गई, मैंने अनुसरण किया the girl, लड़की का, along the passage, गलियारे में. यानी मैं गलियारे में उस लड़की के पीछे पीछे गई. an old-fashioned iron, एक पुरानी फैशन का, लोहे का हनुक्का, यानी एक समाधान कह सकते हैं, खुंटी टाइप कह सकते हैं, कैंडल होल्डर जिसमें कि मोमबत्ती को रखा जाता है, हंग लटका हुआ था नेक्स्ट टू ए मिरर, यानी शीशे से आगे, आईना से आगे. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बर्सम. वी नेवर यूज्ड, हमने कभी प्रयोग नहीं किया था इसका, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बर्सम, क्योंकि वह बहुत अधिक भारी था, देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, यानी एक अकेली मोमबत्ती को रखने के यंत्र के तुलना पर, तुलना में. वुडंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या तुम बैठना नहीं चाहोगी, क्या आप बैठना नहीं चाहेंगी. सी हेल्ड अपॉन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. सी हेल्ड ओपन, उसने खोल कर रख दिया द डोर ऑफ द लिविंग रूम, यानी रहने वाले कमरे का दरवाजा, एंड आई वेंट इनसाइड, और मैं अंदर चली गई पास्ट हर, उसके पीछे. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, भयभीत होकर के. आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू, मैं जिसको जानती भी थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी, अर्थात जान करके भी नहीं जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिडंट आई डिड want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. I found myself, मैंने अपने आप को पाया midst, बीच में, of the things, उन वस्तुओं के. I did want to see again, जिनको कि मैं दोबारा देखना चाहती थी, but which oppressed, लेकिन जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया, in the strange atmosphere, उस अजीब वातावरण में, लेकिन उन वस्तुओं ने मुझे उस अति अजीब वातावरण में परेशान कर दिया. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरी थिंग वॉज अरेंज, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, और बिकॉज के कारण, टेस्टलेस वे यानी फूड़पन तरीके से, फूड़ तरीके से एवरी थिंग, सब कुछ, यानी प्रत्येक चीज़ वॉज अरेंज, व्यवस्थित थी, रखी गई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. किसके कारण था वातावरण फूड़ वाला,
बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर यानी भद्दे फर्नीचर के कारण और द मगी स्पेल और उमसदार स्मेल का मतलब खुशबू यानी दुर्गंध और उमसदार दुर्गंध से दैट हंग देयर जो कि वहाँ भरी पड़ी थी. आई डोंट नो बट आई स्केसली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी. हाँ आई डोंट नो मैं नहीं जानती बट आई स्केसली लेकिन मैंने बड़े मुश्किल से ही डेयर्ड साहस किया टू लुक अराउंड मी अपने चारों ओर के वातावरण को देखने के लिए. द गर्ल मूव्ड ए चेयर लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई. आई सेट डाउन मैं नीचे उस पर बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लोथ और उस ऊनी कपड़े वाली मेज को देखा घूर करके देखा. आई रब्ड इट मैंने इसको रगड़ा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग और माई फिंगर्स मेरी उंगलियाँ ग्रू वार्म गर्म हो गई फ्रॉम रबिंग रगड़ने से. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. आई फॉलोड मैंने अनुसरण किया यानी मैंने देखा मैं देखती रही कैसी कहती है नैरेटर कि मैं देखती रही द लाइन्स उन रेखाओं को पंक्तियों को ऑफ द पैटर्न यानी जो उस पर बनी आकृति की थी. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. समवेयर कहीं ना कहीं ऑन द एज किनारे पर देयर शुड बी ए होना चाहिए था होगा बर्न मार्क जले का निशान दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड जिसकी कि कभी भी मरम्मत नहीं की गई थी. सातवां पैराग्राफ देखेंगे. माई मदर्स विल बी बैक सून सेट द गर्ल. लड़की ने कहा कि मेरी माँ शीघ्र ही वापस आ जाएंगी और आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर विल यू हैव ए कप. हाँ आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर मैंने पहले से ही उनके लिए कप चाय बना दी है. विल यू हैव ए कप क्या एक कप आप चाय लेंगी. थैंक यू उसने कहा धन्यवाद. आई लुक्ड अप मैंने ऊपर की ओर देखा ऊपर की ओर झांका. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. लड़की ने चाय के प्याले तैयार करके टी टेबल पर रख दिए चाय की मेज पर रख दिए. शी हैड ए ब्रॉड बैक उसकी कमर चौड़ी थी. जस्ट लाइक हर मदर बिल्कुल अपनी माँ की तरह सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट और उसने एक सफ़ेद केतली से चाय उड़ेली डाली. All it had was a gold border on the lid. और यह सफ़ेद जो केतली थी हेड रखती थी वैसे गोल्ड बॉर्डर एक सुनहरी किनारी ऑन द लिड ढक्कन पर और उस केतली जो सफ़ेद केतली थी उस केतली के ढक्कन पर एक सुनहरी किनारी बनी हुई थी. आई रिमेम्बर्ड मुझे याद आया. सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट उसने एक बक्से को खोला और कुछ चम्मचें बाहर निकाली. That is a nice box. I heard my own voice. Huh? ये तो बड़ा अच्छा बक्सा है संदूक है. I heard my own voice. मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी. It was a strange voice. यह तो बड़ी विचित्र आवाज़ थी. As the each sound was different in this room. जैसे कि मानो इस कमरे में हर बोलने वाली आवाज़ बिल्कुल भिन्न थी. Oh, you know about them. She had turned around and brought me tea. My tea. अरे यू नो अबाउट them. तुम इन चीज़ों के बारे में जानती हो. सी हैड turned अराउंड वह घूमी एंड brought me my tea और घूम करके मेरी चाय मुझे दी. सी laughed वह हंस पड़ी. My mother says it is antique. हाँ और हंसती हुई उसने कहा कि मेरी माँ कहती हैं कि यह प्राचीन है. We have got lots more. हमने इनको बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त किया है. She pointed round the room. और उसने कमरे की ओर इशारा किया. सी फॉर योर सेल्फ आप स्वयं उनको देख सकती हैं. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड मुझे उसके हाथ को अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. जैसे जैसे वो हाथ घुमा रही थी उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट मैं जानती थी कि उसका कौन सी वस्तुओं से मतलब है आशय है. I just looked at the still life over the tea table. I just looked, मैंने केवल देखा था at the still life, उस शांत जीवन को over the tea table, यानी चाय की मेज पर.
यानी चाय की मेज पर मैंने उस शांत जीवन को देखा था. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. एज अ चाइल्ड यानी बच्चे के रूप में आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मैंने हमेशा कल्पना की थी द एप्पल सेब की ऑन द प्यूटर प्लेट यानी जस्ते की प्लेट में. मैंने हमेशा ये कल्पना की थी जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी कि एक सेब जस्ते या कांसा की प्लेट में होना चाहिए, तस्त्री में होना चाहिए. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसे सबके लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं. सी सेड, उसने कहा, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. आई वांटेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. वंस वी इवन एट यानी एक बार हमने खाना खाया. ऑफ द प्लेट्स, उन प्लेटों में हैंगिंग जो लटकी हुई हैं देयर ऑन द वॉल, वहाँ दीवार पर, यानी एक बार हमने ऐसा भी किया कि हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में खाना खाया. आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, चाहती थी, बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन यह कोई विशेष चीज़ नहीं थी. आई हैड फाउंड द टर्न मार्क, बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लोथ. आई हैड फाउंड, मैंने ढूंढ लिया था, पा लिया था, क्या, बर्न मार्क, जले का निशान, ऑन द टेबल क्लोथ, उस मेज की कपड़े का मेज पर जो कपड़ा बिछा हुआ था, हमने उस पर जले का निशान ढूंढ लिया था. लड़की कहती है, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और लड़की ने प्रश्न करते हुए मेरी ओर देखा. यस आई सेड, हाँ मैंने कहा, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस. मैंने कहा, यू गेट सो यूज्ड, तुम बिल्कुल आदि हो गई हो टू टचिंग, छूने की, ऑल दीज, इन सभी चीज़ों को, लविंग थिंग्स, सुंदर वस्तुओं को, इन द हाउस, घर में. यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, अब तुम इनको मुश्किल से ही देखती हो. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, हाँ यू ओनली नोटिस, तुम मुश्किल से ही उनको देखती हो जो कुछ चीज़ें खो जाती हैं. Because it has to be repaired or because you have lent it, for example, because, क्योंकि it has to be repaired, इनकी मरम्मत होनी है, और क्योंकि, या क्योंकि, you have lent it, तुमने इन्हें उधार दे दिया है. For example, जैसे उदाहरण के लिए. तो सातवां पैराग्राफ पूरा हुआ, आठवां देखेंगे. Again I hear the unnatural sound of my voice. Again, पुनः दोबारा, आई हीयर्ड, मैंने सुना, द अननेचुरल साउंड यानी अप्राकृतिक आवाज़ ऑफ माई वॉइस, मेरी सुर की, मेरी आवाज़ की, यानी कह सकते हैं मैंने अपनी ही आवाज़ को कैसे समझा, अजीब आवाज़ समझा. आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई, बोलती गई. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर कि क्या मैं उसकी मदद करूँगी पॉलिश करने में द सिल्वर, चांदी के बर्तनों को. एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में उसकी मदद करूँगी. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, यह बहुत लंबे समय पहली बात है. एंड आई वॉज प्रॉबली बोर्ड, और मैं बिल्कुल संभवतः उकता गई थी, बोर हो गई थी दैट डे, उस दिन. और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और शायद, या मुझे घर पर रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी. एस सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उन्होंने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट, मैंने उनसे पूछा कि उनका मतलब कौन से चांदी के बर्तनों से है. एंड सी रिप्लाइड, और उन्होंने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर के, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइव्स, हाँ, कि उनका मतलब किससे है, स्पून्स, चम्मचों से, फॉक्स, कांटे, एंड नाइव्स, और चाकुओं से, यानी वे बर्तन, वे चीज़ें जिनसे कि भोजन खाया जाता है, जैसे चम्मचें होती हैं, कांटे होते हैं, और चाकू होते हैं. ऑफ कोर्स, वास्तव में, या निसंदेह, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और वास्तव में यह एक विचित्र भी बात थी, अजीब बात थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एच ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी यानी उन बर्तनों को जिनमें कि चम्मच, कांटे होते हैं, चाकू होते हैं, वी एट ऑफ, जिनसे हम खाते हैं एवरीडे रोजाना, वह सिल्वर, चांदी के बने थे.
द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंस पड़ी, आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदा। उसने कहा आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, शर्त लगाती हूँ, डोंट नो तुम नहीं जानती हो, तुम भी इसको नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसको ध्यानपूर्वक देखा, व्हाट वी ईट विद सियास्ट, सियास्ट उसने पूछा कि हम किन चीज़ों से, व्हाट किन चीज़ों से वी ईट, हम खाते हैं, हम किन चीज़ों से खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, ठीक है क्या तुम जानती हो, सी हेसिटेटेड, वह हिचकिचाई, सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉ, हाँ सी वॉक्ड, वह चली टू द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड की ओर, एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉ, और उसने एक दराज को खोलना चाहा। आई विल लुक, मैं इसको देखूंगी, इट इज इन हियर, ये यहाँ पर हैं, यहीं हैं। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी, अर्थात मैं एक साथ उठी, आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी रेलगाड़ी पकड़नी होगी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, उसने अपना हाथ दराज में रख दिया था, दराज में रख रखा था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती हो। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक द टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, लड़की ने उस दराज को खुला हुआ छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता स्वयं तलाश सकती हूँ। एज आई वॉक्ड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं उसके साथ गलियारे से नीचे निकली, गलियारे से गुजरी, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, आई हियर, मैंने सुना जिंगलिंग, खनखनाहट ऑफ स्पून्स, चम्मचों की, एंड फॉक्स, और कांटों की। जैसे ही मैं उसके साथ नीचे गलियारे में गई, तो मैंने चम्मच और कांटों की खनखनाहट को सुना, बर्तनों की खनखनाहट को सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड यानी सड़क के किनारे, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर को देखा। एट द नेम प्लेट यानी घर के दरवाजे के ऊपर जो नेम प्लेट लगी होती है उसकी ओर, मार्कोनी स्ट्रीट यानी पते में लिखा हुआ था मार्कोनी गली, इट साइड इसमें लिखा था आई हैड बीन एट नंबर 46, यानी मैं 46 नंबर के घर पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था, बट नाउ आई डिडंट वांट, लेकिन अब मैं नहीं चाहती थी क्या करना, रिमेंबर इट एनी मोर, हाँ यानी लेकिन अब मैं इस पते को ज़्यादा और याद रखना नहीं चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value then. I wouldn't go back, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी देर वहाँ पर, because the objects, क्योंकि वस्तुएँ, that are linked, जो जुड़ी थीं या जुड़ी हैं, इन आवर मेमोरी, हमारी स्मृति से, विद द फैमिलियर लाइफ, परिचित जीवन से, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय के, क्योंकि पुराने समय के हमारे परिचित जीवन की, हमारी स्मृतियों से जो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली यानी तुरंत ही लूज देयर वैल्यू, अपना मूल्य खो देती हैं, अपना कीमत खो देती हैं उस समय, व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब उनसे सेवा की जाती है। You see them again in a strange surroundings. You see them, आप उनको देखते हैं again, दोबारा पुनः, in a strange surroundings, एक अजीब वातावरण में। And what should I have done with them? और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए, मैं उनके साथ क्या करूँ। In a small rented room, एक छोटे से किराए के कमरे में, where the sets of black out paper still hung, where, जहाँ पर, sets का मतलब कागज यानी दीवार के, of black, काले, paper कागज यानी जहाँ पर दीवार के कागज काले पड़ करके फट गए थे, hung along the windows,
और वो खिड़कियों पर लटके हुए थे एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कल्ट्री एंड नो मोर देन और कुछ भी नहीं सिवाय एक मुट्ठी भर कल्ट्री का मतलब कटलरी का मतलब चम्मच कांटे और छुरी वही खाने में यूज़ होने वाले बर्तन तो कुछ नहीं बल्कि एक मुट्ठी चम्मच कांटे और छुरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर यानी फिटेड रखे हुए थे संकुचित मेज की एक संकुचित दराज में आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस आई रिजॉल्व्ड मैंने संकल्प लिया टू फॉरगेट भूलने का द एड्रेस माने पते को यानी मैंने तुरंत उस पते को भूलने का संकल्प लिया कौन से पते की बात कर रहे हैं ये नैरेटर यानी मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट यानी वे सारी चीज़ें जिनको कि मैं भूल जाना चाहती थी जो जिन्हें मुझे भूलना था दैट वुड बी द ईजीएस्ट वो मेरे लिए क्या थी सबसे आसान चीज़ें थीं सबसे आसान वस्तुएं थीं तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है स्नैपशॉट का द एड्रेस ये आपका पूरा होता है और इसमें वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिनके आंसर आपको मुझे देने हैं अपने कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन है हु मेट एट द एड्रेस ऑन नैरेटर्स सेकंड विजिट हु मेट कौन मिला एट द एड्रेस पते पर ऑन नैरेटर्स सेकंड विजिट यानी सूत्राधार या कथावाचक के दूसरे विजिट के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नैरेटर सी एट द एड्रेस ऑफ नंबर 46 यानी पता जो 46 था संख्या 46 के पते पर सूत्रधार ने क्या देखा व्हाट डिड द गर्ल डू विद द नैरेटर और लड़की ने सूत्रधार के साथ क्या किया और व्हाट डिड द गर्ल टेल हर अबाउट द कटलरी What did the girl tell? लड़की ने क्या बताया हर उसको about the cutlery? यानी कटलरी का मतलब भोजन खाने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन जैसे कि चम्मच कांटे और चाकू वगैरह तो कटलरी के बारे में लड़की ने उसको क्या बताया और लास्ट क्वेश्चन है What did the narrator decide at last? अंत में सूत्रधार ने क्या निर्णय किया क्या निश्चय किया तो इसके साथ ही आपका ये वीडियो पूरा होता है और आपको इस क्वेश्चंस के वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं अगली पीडीएफ में मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको सेंड करूँगा थैंक यू वेरी मच